कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस आज का ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। आप लोगों ने देखा, शॉपिंग हो गई है हिमालय जाने के लिए और आज होगी हिमालय जाने के लिए पैकिंग, क्योंकि कल सुबह में हम लोग को निकलना है। आ रही हूँ आप लोगों को। मम्मी देखिए कल के लिए क्या क्या तैयारी कर रही है। बाबू ना मम्मी के पास रह गया क्योंकि इतना ऊँचा चढ़ नहीं सकता, 7 किलोमीटर पैदल जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मम्मी नमकीन बना रही है, अभी खास्ता बनाने वाली है मम्मी। मम्मी ना चौकी पर ना बिल करके थाली पे बना रही है, क्योंकि थाली चौकी से बड़ा है तो इस पे जल्दी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग दिमाग मम्मी का कितना बड़ा है। यहाँ और पांडे जी अपना पैकिंग शुरू कर दिए हिमालय जाने के लिए, और अभी हमारा नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पर नमकीन, यहाँ पर खास्ता बन करके तैयार हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। पांडे जी अभी मेरा ब्लॉग एडिट कर रहे हैं और बाबू सो गया है। आज का ब्लॉग पांडे जी एडिट करेंगे और मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। यहाँ पर बैग निकाल दी हूँ और इसी बैग में मैं करूँगी कपड़ा पैक। देख तो गाइस 7 दिन का ट्रिप है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसी के अनुसार कपड़ा पैक करने के लिए। कम से कम 4-5 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में स्वेटर भी चाहिए, क्योंकि हिमालय पे जाना है तो ठंडा तो पक्का लगेगा वहाँ पे। अब तो यहाँ पे भी हल्की हल्की ठंड लगने लगी है रात को। फाइनली कपड़ा पैकिंग हो चुका है। ये पांडे जी का बैग है और ये मेरा बैग है। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरा बैग ज़्यादा बड़ा हो गया है, इनका तो छोटा में ही अट गया। Early the next morning. तो गाइज अभी ना हमारे यहाँ रास्ता में ले जाने के लिए खाना एकदम तैयार हो गया बन करके। देख सकते हैं आप लोग, पांडे जी के लिए सत्तू का पराठा सादा वाला, और अपने लिए मैं लिट्टी बना रखती हूँ, क्योंकि मुझसे ना इतना सादा सादा नहीं खाया जाता है। और अभी मैं जा रही हूँ चावल फ्राई करने, जल्दी से चावल फ्राई कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, निकलना भी है 1 बजे। और अभी फटाफट कर लेते हैं, और इधर में ना मूँगफली वगैरह सारा चीज़ भून करके रख ली हूँ। जाना है बस 2 लोगों को, लेकिन इतना सारा हो गया ना सारा चीज़ कि क्या ही बताऊँ आप लोगों से। तो अभी पैकिंग करना भी है बना करके। तो अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ जल्दी से चावल फ्राई कर लेने, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर पानी की घुसाने लगेंगे, चल देंगे। और मुझसे ना बिना चावल खाए हुए नहीं रहा जाता है, सच्ची बता रहे, भले क्यों ना हिमालय पर चढ़ जाए हम। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ फटाफट चावल फ्राई कर लेती हूँ। फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जा रही हूँ हिमालय पे। और अभी देखिए बाबू आ गया है स्कूल से, और बाबू अभी दूध पी रहा है, और पापा जी बैठ करके उसको फुसला रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे बैठी है। और जाने से पहले मम्मी ना इतना हम लोग को समझाई है, अच्छा से जाना, खाना खा लेना रास्ते में, नेहा को भी खिलाना, नेहा को तो बताना भूल ही गई मैं, नेहा भी जा रही है। नेहा का तो फाइनल था पहले से, कि ये हो गया खाना वाला झोला, हम लोग बैग से ज़्यादा भारी तो खाना वाला झोला हो गया है। बोतल आई वाला मैं बैग लेके जा रही हूँ, इस बार इसमें रखूँगी मैं कैमरा, क्योंकि मेरे पर्स में कैमरा अच्छा से नहीं आता है, मेरे पास छोटा पड़ जा रहा था कैमरा के लिए, तो इस बैग में मैं कैमरा लेके जाऊंगी। तो सारा चीज़ तैयार है, और अभी 1 बजे का प्लानिंग था निकलने का, लेकिन अभी 2 बजने वाले हैं, 2 बजे तक निकल जाना है हम लोगों को यहाँ से। तो यहाँ पर बाप बेटा का डिस्कस चल रहा है कि पापा जी कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं भी चलूंगा। तुम तुमको समझाएंगे, हम आ जाएंगे, चलूंगा 2 दिन में हम आ जाएंगे। नहीं हमारा एग्जाम नहीं होता ना बेटा, तो तुमको भी ले चलते हैं। हम तुमको अब तो टिकट बन गया है ना हम लोगों का, तो कैंसिल तो नहीं कर सकते ना। ना बेटा कैंसिल कर देंगे, तुम कहोगे तो फिर तुमको ले चलेंगे बर्फ के पहाड़ी पर। देखिए जूता बैग में तो डलवाए हैं मेरे, लेकिन पहाड़ पे जाने से पहले पहन के जाइएगा, हम पीठ पे जूता लेके नहीं ऊपर चढ़ेंगे। अब हमको एक व्यक्ति लेके चलना है, कैसे का सामान हमसे नहीं उठ रहा है। लेकिन दो एक व्यक्ति तो ऐसा है कि अपना विवेक उतर के कहेगा कि जीजा जी थोड़ा पकड़ लीजिए, मतलब तीनों में हम ही हैं सबसे ज्यादा। जाने से पहले बाप बेटे क्यों मिलन हो रहा है। हम आ जाएंगे कल,
कितने बजे? कल हम आ जाएंगे। देखो गंदा हो रहा है सब। गंदा हो रहा है अभी। कितने बजे आएंगे? कल आ जाएंगे हम। कितने बजे? 10 बजे। अरे मेरा छूना बच्चा शाम को नहीं। अच्छा जब से पैदा हुआ तब से पहली बार मम्मी पापा दोनों लोग एक साथ नहीं रहेंगे ना। निकलने का समय हो गया गाइस, तो अभी निकलते हैं हम लोग। और आप लोग अच्छा से रखिएगा बाबू को। बज गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है मम्मी, अच्छा से रहिए लोग। इतना बड़ा बैग हमको दे दिए। ठीक है मम्मी, अच्छा से रहिएगा आप लोग। ठीक है बाय बाय। अपने इतना कम ले जा रहे हैं तो भारी बता रहे हैं। मैं तो इतना बड़ा वाला ली हूँ। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं घर से और अभी आ गए कैंप पर। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले प्रयागराज के लिए। तो फिलहाल देखते हैं बस से जाते हैं या फोर व्हीलर से, जो भी मिलेगा उससे हम लोग को निकलना है प्रयागराज। वहाँ से हमारी ट्रेन है और वहाँ से हम लोग निकलेंगे फुटबॉल के लिए। बने रहिए, मजा तो आने वाला बहुत तेज। बाहर से आ रही है गाड़ी की बहुत ज्यादा आवाज। देखिए कितना बड़ा बैग मेरे पीठ पर है। घर का बोझा लेते लेते हम लोग बाहर का भी बोझा उठाने लगे हैं। और ऊपर से बादल लगा हुआ है, बारिश भी हो रहा है, साथ में मौसम एकदम मस्त बना रखा है। मुझे तो लगा था ना कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो रास्ते में भी बहुत ज्यादा होगा। गाइस हम लोग बैठ गए हैं कैंट से बस में प्रयागराज जाने के लिए। वहाँ से हमारी ट्रेन है और इधर बारिश हो रही है और अंदर गर्मी हो रही है बहुत तेज। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा है, पंडित जी का हालत भी खराब है। तो आ गए हैं प्रयागराज के सुविधारगंज स्टेशन पर। यहाँ से है हमारी ट्रेन और अभी ट्रेन आने में कुछ समय है। और ये देखिए बाहर का व्यू मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कितना प्यारा है ना। तो हमारी ट्रेन पहले से लगी हुई है और अभी हम लोग को निकलना है। किसने B3 है, B3 नहीं है, चलते हैं और पकड़ लेते हैं अपना सीट। कौन सा सीट नंबर है? तो गाइस हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ गए हैं और अभी यहाँ से नाजिबाबाद के लिए निकलेंगे। मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग कल रात से ही चल रहा है, तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में और अगला ब्लॉग तो और मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।